नमस्कार, बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने अपना वायदा फिर से निभाया है। 10 दिन पहले उप तहसील गोरीवाला में लाइब्रेरी खोलने का जो वायदा था आज उन्होंने पूरा किया, तो वहीं पर गांव में संपर्क भी उन्होंने किया है विभिन्न गांव में जाकर, और गोरीवाला में चौधरी देवीलाल ई लाइब्रेरी का शुभारम्भ किया है। गाँव में मूलभूत सुविधाएँ दिलवाने का भी आश्वासन दिया गया है। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने बुधवार को डवारी हलके के गांव गोरीवाला पहुंचकर वहां अपने निजी कोष से चौधरी देवीलाल के नाम पर स्थापित करवाई ई लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। इस ई लाइब्रेरी की स्थापना के साथ ही जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने ग्रामीणों से किया अपना वायदा पूरा किया। दिग्विजय सिंह चौटाला ने गोरीवाला के विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए, उन्हें उत्साहवर्धन करने के लिए, ज्ञानवर्धन करने के लिए जहां 2 कंप्यूटर की स्थापना करवाई, वहीं पर 18 कुर्सियां, 2 बड़े मेज, 2 कंप्यूटर मेज, तमाम संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि गांव गोरीवाला के चौधरी देवीलाल के नाम पर स्थापित पहली ई लाइब्रेरी बनी है। वहीं इस अवसर पर जेजेपी की कल्याणकारी नीतियों में जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर गांव गोरीवाला के गणमान्य जो डॉक्टर सतीश घुघरिया ने जननायक जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला को भरोसा दिलवाया कि वे पार्टी की पहल से भी सबसे ज्यादा मजबूती के साथ कार्य करेंगे। इसके बाद गांव किंगरा में भी पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों से रूबरू हुए। ग्रामीणों की समस्याएं जानने के बाद जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने ग्रामीणों की सहूलत के लिए गाँव के स्टेडियम के लिए नई पाइपलाइन की व्यवस्था करने, 2 मरीजों के लिए 11,000 रुपये की सहायता राशि, युवा खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट किट फिट की, वहीं पर उन्होंने जिम का सामान और श्री गुरु घर के लिए 4,00,000 रुपये की राशि, गाँव की 2 गलियों को पक्का करने और समीपवर्ती ढानियों के लिए पानी की नई पाइपलाइन बिछाने की घोषणा की। ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएँ मुहैया करवाने के लिए सभी ने जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला का आभार प्रकट किया। लगातार दिग्विजय सिंह चौटाला की ओर से डव्वाली विधानसभा के गांव-गांव में जाकर वो तमाम समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, तो वहीं पर इलाके की गौशालाओं को भी लगातार वो वित्तीय सहायता देकर दान राशि मुहैया करवा रहे हैं। वहीं पर सबसे रोचक उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही गोरीवाला में ग्रामीणों और विद्यार्थियों की मांग पर उन्होंने वायदा किया था कि यहाँ पर वो एक हाईटेक लाइब्रेरी बनवाएंगे। 10 दिन के भीतर ही दिग्विजय चौटाला ने चौधरी देवीलाल ई लाइब्रेरी स्थापित करवा दी है। जगदीश महार जी हमारे कैंडिडेट रहे हुए, ब्लॉक समिति के विनोद जी, विनोद शर्मा जी, अमित गुप्ता जी, अनिल गुप्ता जी और दौलत राम जी, सभी गोरीवाला के सम्मानित जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। उनकी तरफ से भी मैं भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं जो आपने गोरीवाला को सबसे पहले चुना डिजिटल लाइब्रेरी के लिए, ई लाइब्रेरी के लिए, और जो नौजवानों को भविष्य सुधारने के लिए जो आपने पहल जो की है, हम दिल से कामना करते हैं आपकी इस पहल से जो है इस इलाके का भविष्य जरूर बदलेगा। अब मेरे गांव गोरीवाला के समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, मेरी पूरी पंचायत की तरफ से, मेरे गाँव के सभी नौजवान युवा साथियों की तरफ से चौधरी श्री दिग्विजय जी चौटाला का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने शिक्षा के सत्र को ऊपर उठाने के लिए आज ई लाइब्रेरी दी है। एक बार सभी तालियां बजाकर धन्यवाद दीजिए दिग्विजय जी। बड़े भाई दिग्विजय जी चौटाला का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे शिक्षा सत्र को ऊपर उठाने के लिए हमें ई लाइब्रेरी दी है। और शिक्षा के मामले में कभी कोई राजनीति नहीं होती, इनसे मैं मिला और गांव की समस्या के बारे में बताया भी, तो हमारे गांव के बहुत से गरीब साथी हैं जो लाइब्रेरी की फीस नहीं अदा कर सकते, तो उन्होंने पहले अभी वायदा किया था 10 दिन पहले ही, और 10 दिनों के अंदर हमें इतनी बड़ी लाइब्रेरी दी थी। आगे भी लाइब्रेरी में और कोई सामान की जरूरत होगी तो भाई साहब ने भी वादा किया है कि आगे भी पहुँचाने का काम करें। एक युवा सोच ही ऐसी होती है जो हमारे क्षेत्र को, हमारे एरिया की समस्या को समझती है, और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनका साथ दें, सहयोग करें। नशे को रोकने के लिए शिक्षा, खेलकूद, ये सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, खेलकूद को बढ़ावा मिलेगा, तो नशे पर अंकुश लगाया जा सकता है। अगर
हम पढ़ेंगे लिखेंगे खेलेंगे तो हमें रोजगार मिलेगा, अगर हमें रोजगार नहीं मिलेगा बिल्कुल फ्री रहेंगे तो और कामों को नशे को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, टेंशन को बढ़ावा मिलेगा और हम गलत रास्तों पर बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम शिक्षा के साथ जुड़ेंगे खेल कूद के साथ जुड़ेंगे तो हमारे गाँव का नाम रोशन होगा, हमारे ज़िले का नाम रोशन होगा और हमारे पूरे प्रदेश का नाम रोशन होगा, हमारे माँ बाप का नाम रोशन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाला के पूजनीय बुजुर्गों, मेरे नौजवान युवा साथियों, मेरी प्यारी प्यारी बहने, गांव के सरपंच साहब, हमारे पार्टी के जेजेपी के तमाम नेतागण, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नाम लूंगा तो बहुत लंबा अरसा लग जाएगा, हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन साहब, इलाके के सरपंच साहिबान, आज आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, यहाँ बुलाया। शिक्षा को हमारे क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कैसे किया जाए, उसमें एक मील का पत्थर आज आप लोगों के साथ मिलकर के हम सब लोगों ने स्थापित किया है। डिजिटल कंप्यूटर ई लाइब्रेरी पहली अपने क्षेत्र की शुरुआत हमने गोलीवाड़ा गांव से की है और आप सब लोगों के साथ मुझे इसका इनॉग्रेशन करने का मौका मिला है, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। आज शहीद आजम उधम सिंह जी की पुण्यतिथि है, ऐसे अवसर पर उस महान आत्मा को हम याद करते हुए नमन करते हैं जिन्होंने अपना सर्वोपरि बलिदान देश के लिए न्योछावर कर दिया, जिन्होंने विदेश में जाला लिया। उधम सिंह जी को जब तक सृष्टि रहेगी, ये दुनिया रहेगी, उस महान आत्मा को, उस देवतुल्य आत्मा को लोग याद करेंगे और मेरी पीढ़ी के लोग उन्हें अपना आइडल मान करके उनसे सीख लेकर के इस देश की रक्षा और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। जहां उधम सिंह जी को नमन करता हूं, वहीं आज शिक्षा की बात हो रही है, बात नशे की हो रही है, नशा हमारे क्षेत्र के लिए एक बड़ी बीमारी बन चुका है। कोई ऐसा गांव नहीं है जिसके अंदर कई कई केस नशे के, नशे से प्रभावित लोगों के, और शायद कोई ऐसा महीना नहीं है जब दो तीन कैजुअल्टीज यानी नशे के कारण मौत हमारे क्षेत्र में ना हो रही हो। पिछले लंबे अरसे से हमारे क्षेत्र में एक बड़ी मांग थी कि नशे से इस इलाके का पीछा छूटे, उसके लिए दिशाहीन नौजवानों को दिशा देने की जरूरत है। इस हवन यज्ञ में मैंने भी अपनी आहुति डालने का मन बनाया और यही सोच रखी कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स, शिक्षा और खेल के माध्यम से जहां हम इसे काउंटर करेंगे, इससे लड़ाई लड़ेंगे, दिशाहीन युवा को खेल के मैदान और लाइब्रेरी का रास्ता दिखाएंगे, वहीं नशे से प्रभावित लोगों को आयास संस्था के माध्यम से आने वाले दिनों में उनका नशा छुड़वाने के लिए डी एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन का कि नशा छूट जाने के बाद उसकी काउंसलिंग और उसका सारा समाधान की ओर आगे बढ़ा जाए। इलाके के अंदर स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुले, कल को सिर्फ नशा छुड़वाने तक सीमित ना रहे बल्कि उसे स्किल डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से अपने जीवन में आगे बढ़ने के अवसर कैसे प्रदान किए जा सके, उसके लिए एक बड़ी प्लानिंग हमने करी। इस सारी मुहिम की शुरुआत आज गोरीवाड़ा गांव से होने जा रही है, जिसमें हमने डिजिटल ई लाइब्रेरी बनानी थी। मुझे सरपंच साहब मिले थे पिछले दिनों, हमारी चर्चा हुई और मैंने कहा कि गोरीवाड़ा केंद्र बिंदु है पूरे डवाली हल्के का और केंद्र बिंदु से हुई शुरुआत जो है चारों दिशाओं में फैलती है, आगे बढ़ती है। आज जो ये आप लोगों के साथ मिलकर के मुझे कार्य करने का अवसर मिल रहा है, ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं आपको वादा देता हूँ अगले
डेढ़ से दो महीने के अंदर मेरे डवाली हलके का कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर कंप्यूटर डिजिटल ई लाइब्रेरी ना हो। और ये संकल्प मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता, एक आदमी अकेला किसी काम का नहीं होता, हम सबको ताकत बनना पड़ेगा, राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। और इसी मुहिम में एक संकल्प और लिया है कि कोई खेल का मैदान ऐसा ना हो जिसके अंदर मेरी उम्र के नौजवान हमारे डवाली का भविष्य निराश होकर के उल्टा लौटे। इसके लिए खेल का जो भी सामान चाहिए वो हमारी संस्था नौजवानों को मुहैया कराने का काम करेगी। मल्टीपर्पज किट हो, क्रिकेट की किट हो, वॉलीबॉल की किट हो, कहीं जाल का प्रबंधन हो, कहीं कोई और बात हो, मैं ये आश्वस्त करता हूं कि मेरे इलाके का गरीब घर का बच्चा जो घर से ये सोच करके निकलेगा कि मैं खेल के मैदान में जाऊं, मेरे डवाली का नौजवान निराश होकर के घर नहीं लौटेगा, ये मैं वादा और विश्वास। तो आज एक शुरुआत हुई है नशे के खिलाफ उस मुहिम में, उस जंग में हमने एक संकल्प लिया है, एक शपथ ली है और मिलजुल करके इस नशे की गर्त से दिशाहीन डवाली के नौजवानों को दिशा देने का हमने एक काम शुरुआत की है। मैं बधाई आपको देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस शुभ कार्य की जो शुरुआत यहां से हुई है वो इलाके में चारों तरफ फैले, चारों तरफ जैसे उजाला और दिए की रोशनी फैलती है वैसे रोशनी सभी नौजवानों के जीवन में आए और इस अंधेरे से हम उजाले की ओर अग्रसर हों। आप सबने मुझे सुना, आपको पुनः बधाई देता हूँ। अंग्रेजी कहावत है मेक फुल यूज ऑफ इट, इसका पूरा सदुपयोग करना, क्योंकि अकेला सरपंच लाइब्रेरी को नहीं चला सकता, अकेला दिग्विजय लाइब्रेरी को नहीं चला सकता, ये कम्युनिटी सर्विस है, ये समाज की सेवा है और इसके अंदर और इसकी बेहतरी के लिए